हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस मैनिया। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा लेक्चरेट का। एंड अगेन सॉरी, आप लोगों के लिए वीडियोस लेट आ रही हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबको ऑलमोस्ट प्रोसीजर का आइडिया लग गया है, जो मैंने डिफेंस मैनिया पहले भी पूरे प्रोसीजर की वीडियो अपलोड की थी। तो आई होप कि आप सबको प्रोसीजर का पूरा आइडिया लग गया होगा। डे वन के लिए डाउट होता है तो डे वन का मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई, उसको आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद भी अगर आपको प्रोसीजर का कोई डाउट है तो आप पूछ लो। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि लेक्चरेट जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डराता है, कुछ बच्चों के लिए तो ईजी होता है, तो उसको कैसे डील करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। एंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है डिफेंस मैनिया के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, आप यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको सारे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ। एंड सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, चल रही हैं बहुत जल्दी। आप एक कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल थोड़ा मीठा होता है, तो बस आप वो समझिए, बस वेट कीजिए, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके एफ कैट 219 को टारगेट करने के लिए और आपके CDS 219 को टारगेट करने के लिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए या फिर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के लिए मैंने एक टीम बनाई है। उसमें आपके पांच मैंने जो एजुकेटर्स हैं वो हमारे पास हैं, जिनमें संदीप्ति मैम आपकी GS की और इंग्लिश की क्लासेस लेंगी, मंजीत सर आपके पूरा GK का जो पोर्शन होता है पॉलिटी, और संदीप्ति मैम आपका स्टडी GK भी संभालेंगी, मंजीत सर आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी संभालेंगे। बहुत ही अच्छी फैकल्टी है ये डिफेंस के लिए, अच्छे अच्छे कोचिंगों में ये पढ़ा चुके हैं। नितीश सर आपके एफकेट की पूरी रीजनिंग को संभालेंगे और मैथ्स की क्लासेस लेंगे। धीरज सर आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स, जनरल जो कि रिलेशन या फिर जो GD के टॉपिक्स वगैरह होते हैं उन पर बात करेंगे। एंड कोई भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए या फिर ओवरऑल हर चीज़ के लिए अंकित सर और मैं डील करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर लेक्चरेट की बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ है कि लेक्चरेट चाहे आप SSB में जा रहे हो या फिर आप AFSB में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको सारी चीज़ें सेम मिलेंगी, लेक्चरेट भी आपको सेम मिलेगा। इन बस कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं, वही चेंज होते हैं। तो देखिए, लेक्चरेट के लिए फ्रेंड्स आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है, 3 मिनट आपको बोलना होता है। सुनने में कितना आसान है कि 3 मिनट हम इजीली बोल लेंगे, लेकिन ये इतना ही मुश्किल हो जाता है जिसकी लेक्चरेट से वाकई में जिनको डर लगता है उनके लिए 3 मिनट भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे ग्रुप में अगर 10 बंदे बैठे हैं तो 10 में से कम 3 से 4 ऐसे होते हैं जो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। और बहुत अगर सच्ची बताऊँ तो जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर भोपाल में, मैं 2 मिनट के बाद तो मैं खुद ही रुक गया था, लेकिन उसके बाद मुझे आइडियाज़ थे तो मैंने 5 सेकेंड के बाद स्टार्ट कर दिया। जबकि लास्ट में मेरे से कॉन्फ्रेंस में ये पूछा था कि सोसाइल आपने मतलब आपको लेक्चरेट में क्या प्रॉब्लम आई थी, आप बीच में क्यों रुक गए थे, तो फिर मैंने बताया कि थोड़ा नर्वस हो गया था। तो कभी कभी कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि आइदर योर कॉन्फ्रेंस विल मेक यू और इट विल ब्रेक यू, ये एक मुझे साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कॉन्फ्रेंस के बाद। तो बिल्कुल सही बात है, मेरे 3-3 कॉन्फ्रेंस बिल्कुल लंबे लंबे चले हैं, तो कहीं ना कहीं डाउट केस रहा होगा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये मैं अपना देख लूँगा। तो आप भी इस हिसाब से प्रिपेयर करना अपना फ्रेंड्स। तो 3 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिनट का टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। देखिए शुरू कैसे होता है, मान लो 1 से लेके बिल्कुल सेम यही आपका ये जो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, ये बिल्कुल लेक्चरेट का एकदम ओरिजिनल वाला पिक्चर है। तो देखो होता क्या है, देखिए पहला जैसे कि चेस्ट नंबर 1 से अगर शुरू हो रहा है, यहाँ पर चेस्ट नंबर 1 अगर गया, जब तक चेस्ट नंबर 1 को 2.5 मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट मिलता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर लेके जाए तो 2.5 मिनट मिल जाता है। तो मान लीजिए कि अगर चेस्ट नंबर 1 गया प्रिपेयर करने के लिए, तो सारे बच्चे आके अपना बारी बारी से इंट्रो देते हैं 3 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी, ठीक है। जैसे ही चेस्ट नंबर 1 यहाँ आता है, चेस्ट नंबर 2 जो है वो GTO के पास जाता है, वहाँ से कार्ड चूज़ करता है, कार्ड चूज़ करके चला जाता है प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद GTO 1 घंटी बजाता है, दैट मीन्स कि 2.5 मिनट पूरे हो गए हैं। तो जो चेस्ट नंबर 1 जो यहाँ पे लेक्चरर दे रहा है वो क्या करेगा कि अपने टॉपिक को कंक्लूड करेगा, और जैसे ही GTO 2 घंटी बजाएगा चेस्ट नंबर 1 आके अपनी सीट पर बैठ जाएगा, और जो चेस्ट नंबर 2 प्रिपेयर कर रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। चेस्ट नंबर 2 जैसे ही यहाँ पर आएगा, चेस्ट नंबर 3 उठ के जाएगा, एक कार्ड लेगा और प्रिपेयर करना शुरू कर देगा, और ये सर्किल आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो अभी होता क्या, देखिए वहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये इतना बता दूं कि आपके कार्ड पे 4 टॉपिक्स रहे होंगे, और 4 टॉपिक में आपको 1 टॉपिक चूज़ करके प्रिपेयर करना होगा। तो कैसे डील करना है मैं आपको बताऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंस देखिए, लोग कहते हैं लैंग्वेज की, तो देखिए
इंग्लिश ही बोलने से क्या फ़ायदा अगर आपको अच्छे से ना बोलने आ रही हो, या फिर आप अपनी किरकिरी करा लो वहाँ पे, या फिर आप ढंग से ना बोल पाओ, आप खुद को एक्सप्रेस ना कर पाओ। तो मेरी मानो तो जिसमें आपका पावर एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा हो, कितने लोग हिंदी में भी बोल के, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड में एक हर्षित अलावत, वो उन्होंने अपने कभी कभी मिक्स टॉपिक जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में बोल के भी रिकमेंड हो गए थे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको देखना है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। आपको अगर आपका लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊँगा, अगर कोई टॉपिक अच्छा है, आप वहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में स्विच कर लो। अब हिंदी में ही बोलना, हिंदी के अलावा कोई रीजनल लैंग्वेज मत बोलने लगना कि वहाँ पे जीटीओ कोई समझ में ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर, लेक्चरेट में आखिर देखा क्या जाता है, आखिर लेक्चरेट कराने का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपकी जनरल अवेयरनेस, लड़का कितना अपने आसपास की चीज़ों को जानता है, पहली चीज़ तो उनको ये पता चलती है। दूसरी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो स्ट्रेस में, तो आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, कि किसको क्या पहले बोलना है, इंट्रो वाला पार्ट में क्या बोलूँगा, या फिर उसके बीच का टॉपिक क्या है, कहाँ पे मुझे कंक्लूड करना है, पॉजिटिव पार्ट कब बोलना है, नेगेटिव पार्ट कब बोलना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता दूँ, मेरा एक फ्रेंड था दिलीप, हम गांधीनगर FSB में थे, 3 FSB में, तो वहाँ पे उसे टॉपिक मिला था IAS। बंदा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, उसने इंट्रो के बाद सारी नेगेटिव चीज़ें बताई, और नेगेटिव के बाद उसने अपने लेक्चर को ऐसे प्लान किया था कि उसका लेक्चर बहुत ही अच्छा था, नेगेटिव के बाद वो पॉजिटिव पे आने वाला था, लेकिन नेगेटिव बताते बताते उसका टाइम ख़त्म हो गया और उसका लेक्चर ऑलमोस्ट बेकार ही चला गया, क्योंकि वो पॉजिटिव वाली बात ही कर ही नहीं पाया, बस वो पूरे टाइम नेगेटिव नेगेटिव करता रहा। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप एक बार देख लो कि आपको इंट्रो वाले पार्ट में क्या, फ्रेंड्स ये सब आएगा कैसे, कैसे आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे, जब आपके पास नॉलेज होगी, आपको इस बारे में पता होगा। तीसरा फ्रेंड, स्ट्रेस हैंडलिंग, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, 4 टॉपिक में से एक टॉपिक चूज़ करके आपको 2.5 मिनट के अंदर प्रिपेयर करके आना भी है, तो इसलिए मैंने कहा 3 मिनट तो मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2.5 मिनट ही मान लो उनको, क्योंकि बहुत टॉपिक चूज़ करना, फिर उस पर सोचना थोड़ा आपको बहुत वो करेगा। एंड फ्रेंड्स, चौथा है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलती है, वो लोगों की पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि कौन बंदा कितना ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ लोग लेक्चरेट से ही आपका दिल जीत सकते हैं, और कुछ लोगों को का आपको पता चल जाएगा कि यार इसे कुछ नहीं पता है, बस ये ऐसे ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे सिंपल बात है, आपके लेक्चरेट में 4 टॉपिक होंगे, इससे डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके 2 टॉपिक ना बिल्कुल ईजी होंगे। 2 टॉपिक तो आपके डेली लाइफ के होंगे, जस्ट लाइक माई इंटरेस्टिंग इवनिंग, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल को एजुकेशन, बिल्कुल मतलब इस पर हर बंदा, 2 टॉपिक ऐसे होंगे कि उस पर रैंडमली कोई भी अच्छे से नॉलेजेबल बंदा बोल सकता है। एक टॉपिक आपका हो सकता है जैसे ओल्ड एज होम्स, मतलब एक नॉर्मल इशूज़ का, मैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक पूरी लेक्चरेट की बुक है मेरे पास, जिनको चाहिए वो बता देना, हर जगह मैं अपना नंबर प्रोवाइड कराता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लेक्चरेट की जो बुक है वो दे दूंगा, या फिर कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले क्लास क्लास मेरी क्लास थी वहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो वहाँ से भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और फ्रेंड्स एक टॉपिक होता है मॉडरेट, मैंने आपको बताया कि जैसे ओल्ड एज होम्स वगैरह हो गई, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो सब ना बोल पाएँ, अगर आपको नॉलेज हो तो बोल पाओगे। और फ्रेंड्स एक है आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, कंट्रीज़ की क्या चल रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, या फिर हमारी डील, मतलब ये ऐसा है कि जो बंदे, जिस बंदे के पास अच्छी नॉलेज होगी वो बिल्कुल बोल पाएगा। तो इनमें मैं आपको ये राय देता हूँ कि अगर आपको इजी वाले टॉपिक अच्छे से आ रहे हों, या फिर मॉडरेट वाले, हार्ड वाले का कम पता है, तो ये मत करना कि हार्ड वाला चुन लेना, ताकि आपको ज़्यादा वो मिले, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अगर हार्ड चुन लोगे तुम्हें कुछ आ नहीं रहा होगा, तो अपना ही मजाक उड़वाओगे वहाँ पर जाके, और कुछ नहीं होगा सबके सामने। इसीलिए जिस टॉपिक में कंफर्टेबल हो, चाहे वो आसान हो बिल्कुल, चाहे वो हार्ड हो, वो उठाना और चुपचाप बोलना। एग्जाम्पल के लिए एक लड़के ने इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूरा उठा लिया, बंदा इंडियन स्पेस प्रोग्राम में इसरो से आगे और DRDO, ये सब 2 चीज़ों इनसे आगे वो बढ़ ही नहीं पाया, कि क्या योगदान है क्या नहीं है, एक चीज़ उसने ढंग की नहीं बताई, ना कोई सैटेलाइट, और उसने टॉपिक चूज़ किया था इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये सब मत करना, इन सबसे जो आपको कंफर्टेबल लगे वही टॉपिक चूज़ करना। तो ये रहा आपका लेक्चरेट का, फ्रेंड्स मैंने बता दिया, जिनको नंबर चाहिए, सॉरी जिनको नोट्स चाहिए, वो मेरे को मैसेज कर देना मेरे नंबर पर। एंड आपका इंतजार भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, टीम बन गई है आपके लिए, अब डेली वीडियोस मिलेंगी, SSB का तो मैं देख ही रहा हूँ, आपको डे बाय डे सारा अपडेट करते रहूँगा। और अगर आपको प्रोसीजर का लेके अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दो, मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो और बनाने की प्रोसीजर को लेकर, जिसमें मैं प्रोसीजर को पूरा खत्म कर दूंगा। अभी जैसे ये लेक्चरेट का वीडियो आ गया फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपका आएगा PGT का, जितने भी आपके GTO हैं डे बाय डे सबके मैं अपलोड करूंगा। ठीक है,
तो और अपने एसएसबी डेट्स भी कमेंट करके बता दो मुझे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि हाँ आपके एसएसबी कब तक है, ताकि मैं तब तक कवर करा दूँ आपका। फ्रेंड्स प्लीज़ डिफेंस मैनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हेल्प अस टू मेक दिस कम्युनिटी, डिफेंस कम्युनिटी लार्जर। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों साथ। यार पता है शेयर करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। अगर 10 बंदे भी इस वीडियो को देखें, मिनिमम 10 बंदे भी देखेंगे, और 10 बंदे अगर 5 5 लोगों को भी शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप एक बार सोच के देखो कि अगर एक बंदा भी करता है 5 को तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते चीज़ें बढ़ती हैं, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो, एंड हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू।